राहुल की चुनावी जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कानपुर के चुन्नीगंज में गठबंधन की रैली हो रही है। 7 चरणों का चुनाव खत्म होगा तो परिणाम क्या होगा, और वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, 7वें चरण पर इनका सफाया होना तय है। ये जो नौजवान हमारा बिना नौकरी बिना रोजगार के इसका भविष्य अंधकार में है। कमाल की सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिस सरकार का हर पेपर लीक हो जा रहा है। ये नौजवान जो परीक्षा देने गए होंगे वो जानते होंगे कि परीक्षा दी घर लौटे कौन का पेपर लीक हो गया, बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए। ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, और ये जो अग्रिम लेने वाली नौकरी, यहाँ तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है, और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं। ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, और ये जो अग्निवीर वाली नौकरी, यहाँ तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है, और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था। इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया, न केवल कम कर दिया बल्कि अग्निवीर नौकरी भी 4 साल की कर दी। हम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ये 4 साल की अधूरी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार बनेगी तो अग्निवीर वाली व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये हमारा कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन रहा, जहां के उद्योगपतियों ने, उद्योग चलाने वालों ने, कारोबार करने वालों ने अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से एक कानपुर की पहचान बनाई। जो सरकार को मदद करनी चाहिए वो सरकार ने मदद नहीं की, चाहे वो MSME हो, चाहे बड़े उद्योग कारखाने हो, उनके साथ भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। एक समय था यहां पर मिलें चला करती थी, मिलें चल करके न जाने कितने लोगों का रोजगार और नौकरी और घर चलता था, लेकिन इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। न केवल मिलों को भी नहीं शुरू किया, सुनने में आ रहा है कि ये लोग लेबर कॉलोनियों को भी हड़पना चाहते हैं। लेबर कॉलोनियों को हड़प करके न जाने कौन सी नई चीज बनाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कभी इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यही कानपुर के लोग जानते होंगे, आज जो बिजली आ रही है वो समाजवादियों की देन है। ये जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, चाहे वो पनकी का हो, और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उस समय यहीं के सांसद मंत्री थे, वो चाहते थे कि एक बिजली का कारखाना लग जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी, हम लोगों ने पूरी सहमति दे करके मदद करने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि निवेली लिग्नाइट का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना बन करके तैयार हो गया। ये सरकार बिजली नहीं बना रही, बिजली का बिल महंगा कर रहा है। बताओ जब बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है, और इनकी सरकार में लीकेज की के साथ साथ मीटर की भी रफ्तार बढ़ गई है। ये जो मेट्रो चल रही है ये समाजवादियों की देन है।